नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तक। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे उत्तक क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तक क्या है। उत्तक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य एक समान होते हैं। यानी हम कह सकते हैं उत्तक उन कोशिकाओं का एक समूह है जिनकी संरचना एवं कार्य एक समान है। जैसा कि आप जान रहे हैं उत्तक की कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य एक समान है, अतः उत्तकों का आकार एवं आकृति भी एक समान होती है। परंतु कभी कभी कुछ उत्तकों के आकार एवं आकृति में असमानताएँ पाई जाती है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं बहुत सारी कोशिकाएं जिनकी संरचना एवं कार्य एक समान है आपस में मिलकर उत्तक का फॉर्मेशन कर रही है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे जंतु उत्तक के बारे में। जंतु उत्तक में हम पढ़ेंगे उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक के बारे में। इसी प्रकार हम पादप उत्तक में विभजोत्तक के उत्तक और स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उपकला उत्तक की। उपकला उत्तक नाम से स्पष्ट है, उप प्लस कला, यानी ये शरीर को बाहर से ढकता है। यानी हम कह सकते हैं ये शरीर को बाहरी आवरण प्रदान करता है। अब ये शरीर के बाहर स्थित होगा, यानी इसका मुख्य कार्य क्या होगा, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। यानी साफ शब्दों में बोला जाए तो उपकला उत्तक प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी अथवा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले उत्तक को उपकला उत्तक कहा जाता है। उपकला उत्तक सरल उपकला उत्तक, अस्थायी उपकला उत्तक और स्त्रित उपकला उत्तक में विभेदित होता है, जिसमें सरल उपकला उत्तक में सल्की उपकला उत्तक जिनकी सेल्स षटकोणी और अष्टकोणी होती है, स्तंभाकार उपकला उत्तक जिनकी सेल्स स्तंभ के आकार की होती है। इसी प्रकार संवेदनिक उपकला उत्तक जो कि संवेदना का काम करते हैं। अगर उपकला उत्तक को स्तरों के आधार पर विभाजित किया जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्तरीय उपकला उत्तक और स्तरित उपकला उत्तक, यानी एक से अधिक स्तर पाए जाने वाले। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि उपकला उत्तक में ब्लड वेसल्स अब्सेंट होती है। यानी हम कह सकते हैं उपकला उत्तक का पोषक तत्व लसिका के द्वारा ही प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं संयोजी उत्तक के बारे में। संयोजी उत्तक मतलब कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्ट करने वाला। ये क्या करता है, मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करता है। चूंकि ये एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करता है मतलब ये प्रत्येक अंग में पाया जाएगा। अब इनका विशिष्ट कार्य क्या हो गया, संयोजन करना। अब संयोजी उत्तक क्या करते हैं, शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं, मतलब ये अंग को अंग से जोड़ते हैं, अतः ये संपूर्ण शरीर का ढांचा निर्माण करते हैं। और इन उपकला उत्तक की सेल्स में अंतराकाशी के पदार्थ भरा रहता है जिसे अपन मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर तीन पे हम बात करते हैं पेशी उत्तक के बारे में। पेशी उत्तक से तात्पर्य है शरीर का मांसल भाग जो कि पेशी उत्तक से बना रहता है। इन उत्तकों में क्या होता है, तंतु के समान लंबी कोशिकाएं पाई जाती है जो कि संकुचनशील होती है। यानी ये उत्तक हमें गति में सहायता प्रदान करता है, यानी गति इन्हीं उत्तकों के द्वारा की जाती है। अब पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। सबसे पहला क्या है, अरेखित पेशी उत्तक, यानी अनैच्छिक प्रकार की पेशियाँ, यानी इन पेशियों पर अपनी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। नंबर दो पे आती है रेखित पेशी, यानी ऐच्छिक पेशियाँ जैसे चलना दौड़ना आदि। नंबर तीन पे है हृदय पेशी, जिनमें दोनों के गुण उपस्थित है। सबसे पहले बात करते हैं अरेखित पेशी यानी अनैच्छिक प्रकार की पेशियाँ, यानी इनके आकुंचित यानी संकुचन और प्रसारण में हमारे इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये स्वतः ही आकुचित होती है और प्रसारित होती है। अब ये पेशियाँ कहाँ पाई जाएगी, ये पेशियाँ मुख्यतः पाचन प्रणाली में भाग लेती है जो कि ग्रसिका से लेकर गुदा तक पाई जाती है। आगे बात करते हैं हम रेखित पेशियों के बारे में। रेखित पेशियाँ क्या होती है, जिन पर अपनी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है, यानी शरीर की गति जिसमें क्या क्या आता है, चलना फिरना दौड़ना पकड़ना या खड़े होना आदि इन्हीं पेशियों के द्वारा किया जाता है। यानी जब रेखित पेशियाँ संकुचित होती है और प्रसार होती है तो अपन शरीर की गति करते हैं।
आगे हम बात करते हैं हृदय पेशी के बारे में। हृदय पेशी की रचना यद्यपि ऐच्छिक पेशी के समान होती है, यानी हम कह सकते हैं हृदय पेशी की रचना यानी संरचना ऐच्छिक पेशियों के समान होती है, परंतु हृदय पेशी का जो फंक्शन होता है वो ऐच्छिक प्रकार का नहीं होता, ये स्वतः ही संकुचित होती है और स्वतः ही प्रसारित होती है। अब हम सबसे लास्ट में बात करने वाले हैं तंत्रिका ऊतक, जो कि तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, यानी ये संवेदना को ग्रहण करता है और उसका चालन करता है। इन कोशिकाओं में प्रवर्धक पाए जाते हैं जो कि एक्सॉन व डेंड्रॉन कहलाते हैं। अब तंत्रिका ऊतक क्या करते हैं, आपस में मिलकर तंत्रिका अंगों का निर्माण करते हैं और तंत्रिका अंग आपस में मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है जो कि विशिष्ट होती है। आगे हम बात करते हैं पादप ऊतकों के बारे में। सबसे पहले आता है विभज्योतक ऊतक, जो कि क्या करता है, पादप को वृद्धि कराने में सहायक होता है, यानी हम कह सकते हैं पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशिष्ट भागों में ही संभव है और ऐसा करने वाले ऊतकों को विभज्योतक के ऊतक कहा जाता है, यानी विभाजित होने वाले वे ऊतक जो पादप को वृद्धि कराते हैं विभज्योतक के ऊतक कहलाते हैं। इस प्रकार के ऊतकों में कोशिकाएं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। अब ज़्यादा क्रियाशील होगी तो इनके पास कोशिका द्रव्य की मात्रा भी अधिक होगी। आगे हम बात करते हैं स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू को अपन विभज्योतक के ऊतक ही बोल सकते हैं, क्योंकि विभज्योतक ऊतक ही आगे वृद्धि करके अपने विभाजन की क्षमता को खो देता है और स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं वे कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती है और आगे विभाजन होने की क्षमता को खो देती है स्थायी ऊतक कहलाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।